पांव का काला धागा लगभग जहां तक मुझे अंदाजा है आप लोग भी देख रहे होंगे 90% क्या पुरुष क्या महिला बांधे घूम रहे हैं, कोई बाएं में कोई दाहिने में और कोई दोनों में पायल की तरह। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, किसी को कुछ नहीं पता, देखी देखा हर कोई देख देख करके इसको जोड़ लिया है। एक जनरल धारणा यह है कि जब से बांधे हैं नेत्र दोष खत्म हो गया, लोग टोकते थे। इस पर तो हमने पहले ही बताया था कि टोक टाक मिथ ही है, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। यह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर और फैशन की तरह है। अगर आपने बांधा और आपको लगने लगा तो बस लगने लगा, और लगने की कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अब हम बताते हैं इसका ज्योतिषीय एंगल। ग्रहों की बात करें तो धागे में शनि और चंद्रमा का प्रभाव है, बुध भी इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। शनि का प्रभाव बस उतना कि ये रंग से जुड़ा हुआ है। अगर हम पांव की बात करें, जहाँ पर ये पहना जाता है पायल, जहाँ पहनते हैं अपने तलवे के ठीक ऊपर का भाग, वो भाग पूरी तरह से बृहस्पति के अंतर्गत आता है। वहाँ पर पायल अर्थात चांदी पहनने की परंपरा, मैंने कल के कार्यक्रम में आपको बताया था कि किसी भी रिचुअल के पीछे, किसी भी परंपरा के पीछे वैज्ञानिक तथ्य निश्चित है, 100% कंफर्म है। अब देखिए वो जगह बृहस्पति के अंतर्गत आता है, मीन राशि के अंतर्गत आता है, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति और चंद्रमा मिल करके गज केसरी योग बनाते हैं और महिला के अंदर विवेकशीलता जागृत करते हैं। लेकिन जैसे हमने काला रंग धारण किया शनि एक्टिवेट हो गया। अब भैया बृहस्पति और शनि जब आपस में टकराएंगे तो भूकंप ला सकते हैं, यह आपके ग्रहों को बिगाड़ सकता है। पांव में काला धागा किसी कीमत पर मेरे शोध के अनुसार और मेरे अनुभव के अनुसार नहीं पहनना चाहिए। ये सिर्फ देखी देखा है, सटीक जानकारी कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पूरी तरह से मिथ होता है। तो आप भी अगर पहनते हो बिल्कुल मत पहनिएगा, वो जगह सिर्फ पायल के लिए है या फिर यूं कहें चांदी के लिए भी है। चांदी का कोई चीज़ अगर पहनना चाहें आप फैशन में भी तो डाल सकते हैं, लेकिन फैशन में नुकसान उठाना ये कम से कम हम तो नहीं चाहेंगे, एस्ट्रो न्यूज़ के मंच से हम नहीं चाहेंगे। तो इसे मिथ करार दिया जाता है, पूरी तरह से मिथ है, मिथ है, मिथ है।